चलिए हेलो, अब मैं 90 डिग्री और 45 डिग्री कंस्ट्रक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम तो आ ही रही है क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है, तो ध्यान से इसको देखिए। लेकिन आप अगर चाहें तो बना सकते हैं, बट आप कंपास ही यूज कीजिएगा। ठीक है, मेरी तरह हाथ का यूज मत कीजिएगा और बोलेगा मैम ने ऐसे सिखाया। ठीक है ना, आप आर्क बनाने में कंपास ही यूज करें। ओके स्टूडेंट, चलिए अब मैं 90 का कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ। ठीक है ना, देखिए यहाँ सबसे पहले तो एक सीधा सा स्ट्रेट लाइन हम लोगों को बना लेना है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन को क्या करना है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, 90 तो बहुत ही इजी है, सभी को पता भी है 90 डिग्री कैसे होता है, और एक परपेंडिकुलर लाइन ही 90 के लिए काफ़ी होता है। अब देखिए कंपास का नीडल इस पॉइंट पर, जहाँ से आपको कंस्ट्रक्ट, आपको जहाँ भी कंस्ट्रक्ट करने का मन करे इस लाइन सेगमेंट पे आप ऊपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, तो मैं यहाँ कंस्ट्रक्ट करने जा रही हूँ। मैंने एक छोटा सा पॉइंट लगा दिया है। अब यहाँ से मैं एक आर्क लेने जा रही हूँ। ओके, जस्ट लुक गुड। ठीक है ना, ये आर्क लिया मैंने। अब मैं हाथ को नहीं चला रही हूँ, इसलिए आप भी प्लीज पेंसिल को नहीं छुएं, बस कंपास के ही साइड में छुएं। और फर्स्ट कट आइए, यहाँ से मैं फर्स्ट कट मैंने किया, गुड 60 ना। अब यहाँ से मैंने सेकेंड कट किया 120। अब मैं ऊपर की तरह एक आर्क बनाती हूँ। ठीक है, और फिर यहाँ 120। अब 60 और 120 को अगर मैं हाफ करती हूँ तो 30 आता है ना 60 के बाद। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया, एक दूसरे को काटा, और ये पॉइंट दोनों पर एक मैंने डॉट लगा दिया, और इसको मजे से अब मिला दे रही हूँ। ठीक है, ये देखिए गुड, अब मैं मिला दे रही हूँ, शायद ही आप लोगों को हेल्प हो कंस्ट्रक्शन बनाने में। ओके, देखिए 90 डिग्री बना ना, प्रोटेक्टर से आप इसको मेजर कर लें, ये 90 होगा। ओके, आई थिंक इट विल हेल्प यू टू कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री, बट आप कंपास ही यूज करें, हाथ से नहीं बनाएं। ठीक है ना, हाथ से ही बनाएं बट कंपास यूज करें। ठीक है, चलिए अब मैं 45 बनाती हूँ। जैसे मैंने 60 को हाफ किया था, बाइसेक्ट किया था, तो कितना बना था, 30 बना था। अब मैं अगर 90 को बाइसेक्ट करती हूँ तो कितना बनता है, वो 45 बनता है ना। चलिए अब फिर से एक कंस्ट्रक्शन करके कीजिए जो कि 90 ही होना चाहिए, और उसको ही हाफ करके 45 बनाना है। देखिए ये हुआ, अब चलिए एक फिर से 90 हम लोग बनाते हैं। चलिए थोड़ा सा फनी भी है ये, मैं हाथ से बना रही हूँ इसलिए। चलिए हुआ, मैंने क्या सिखाया, यहाँ से फर्स्ट कट, फिर फर्स्ट से सेकेंड कट, फिर सेकेंड से ऐसे मैंने ऊपर की तरफ लिया, फिर यहाँ से मैं लिया। ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब इसको मैं मिला लेती हूँ। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक मैच कर देती हूँ। पहले तो 90 ही कंस्ट्रक्ट करने हैं हमको, हमें तो पहले 90 ही कंस्ट्रक्ट करती हूँ। ठीक है, इसको डॉट से भी मिला सकते हैं अगर आपको 45 बनाना है या क्वेश्चन 45 का, और फिर एक बार से मेजर कर लेती हूँ ये और ये सही का पॉइंट होना पड़ा। ठीक है ना, अब पेंसिल को आप मत चलाएं, कंपास को मत चलाएं, और देखिए कैसे बना रहा है। ये आपका कितना हुआ, 90 हुआ। ठीक है ना, अब 45 बनाना है तो क्या करना, एक 90 ये नीचे से स्ट्रेट लाइन से जहाँ पे आर्क का है, एक स्ट्रेट लाइन से और एक 90 से, ये दोनों से एक ले लेना। यहाँ पे फिर से देखें 45 के लिए, एक नीचे से, ठीक है ना, यहाँ से, और एक बिगनिंग से, और एक 90 से लगा एक आर्क बनाना है और इंटरसेक्ट करना है इसको। ठीक है, क्लियर नहीं है, अगर आपका कंपास से सही होगा, मेरे पास कंपास नहीं होने की वजह से। ओके, दिख रहा है। चलिए अब इस डॉट इसको बस एक पॉइंट से नोटिफाई कर लेना है ऐसे करके, और इसको डॉट को मिला देना है। लाइट से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, रुकिए मैं आपको दिखलाती हूँ। चलिए देखिए ये 45 डिग्री हो गया, और ऐसे तो लिखना आप प्लीज़ नहीं भूलें, 45 डिग्री, और ये पूरा 90 डिग्री, और ये 45 डिग्री है ना, समझ में। एक स्ट्रेट लाइन लेना है, पहले 90 कंस्ट्रक्ट करना है, 90 कंस्ट्रक्ट करने के बाद एक यहाँ से, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, और एक 90 से, ये दोनों का हाफ अगर 90 को मैं बाइसेक्ट कर देती हूँ तो 45 बन जाता है। तो 45 जहाँ इंटरसेक्ट हुआ उसको मिला देना है आपको यहाँ से सेंटर से, ये 45 डिग्री हुआ। चलिए अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में
कमेंट कीजिएगा बच्चों, पता है मुझे कमेंट आएंगे, मैम आपने तो हाथ से बनाया, फिर हम लोगों को क्यों सिखलाती हैं पेंसिल से और कंपास यूज करने का। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 75 का मैं आप बताने जा रही हूँ, ठीक है ना।